सबसे पहले मेरे कमेटी की ओर से झारखंडी जोहार है, आपका चैनल का फॉलोवर का सबको जोहार है। पूर्ण रूप से तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं और आप जिस जगह में आए हुए हैं देख रहे हैं कि तैयारी का काम चल रहा है। मंच भी बन रहा है, मंच भी सज रहा है, बैठने का भी व्यवस्था किया गया है, उधर गैलरी बनाया गया है, कम से कम उस गैलरी में 1000 आदमी बैठ सकते हैं। इधर काउंटर बन रहा है, इधर भी बनेगा, एल शेप में काउंटर बनना है, 100 सुपर काउंटर है, और मंच में भी काम चल रहा है। करीब करीब कमेटी पूर्ण रूप से राष्ट्रीय महाजात्रा की तैयारी कर चुका है। अब सिर्फ हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि झारखंड से जितना खोड़ा दल आ रहे हैं, विभिन्न गांव से, विभिन्न जिला से, विभिन्न अखाड़ा से, बस अब उनका काम बच गया है, वो लोग शामिल हो और ऐतिहासिक राष्ट्रीय महाजात्रा को सिर्फ झारखंड नहीं, सिर्फ देश नहीं, विदेशों तक मैसेज जाए कि आदिवासी अपनी संस्कृति सभ्यता को लेकर एकजुट होकर धर्म जाति से हटकर सभी को आह्वान भी कर रहे हैं कि इस राष्ट्रीय महाजात्रा में शामिल हो। आदिवासी मूलवासी सब एक हैं हम लोग, और एक संदेश देना चाहते हैं जो भाईचारगी का है झारखंड में, और जो आदिवासी का परंपरा है, खान पान, वेशभूषा, ढोल मांदर, कैसे हम लोग थिरकते हैं, वो सब उस दिन 31 जनवरी को दिखेगा और 1 फरवरी को। और झारखंड के तमाम कलाकार जो अपने आवाज़ से झारखंड के संस्कृति सभ्यता को पहुंचाने का काम किए हैं, वैसे वैसे कलाकार जुड़ रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम लोग निवेदन करते हैं हमारे युवा बच्चों में अपनी संस्कृति सभ्यता को लेकर इस राष्ट्रीय महाजात्रा में ज़रूर अपने वेशभूषा में शामिल हो। मेरा नाम सूरज टप्पू हुआ, सरना सदान मूलवासी मंच के अध्यक्ष और इस राष्ट्रीय महाजात्रा का कोषाध्यक्ष। पहली बार ये जत्रा महोत्सव लग रहा है हमारे झारखंड में, और ये सिर्फ झारखंड वासियों के लिए नहीं है, ये ऑल ये पूरे देश से आ रहे हैं लोग, अपनी कला संस्कृति को प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखने को मिलेगा करीबन 50-100 स्टॉल आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के वेशभूषा और खान पान को लेकर देख सकते हैं कि हम लोग किस प्रकार से हमारे जो ट्रेडिशनल फूड है वो हम लोग उस पर निर्भर है, और उसको हम लोग सिर्फ झारखंड तक नहीं विश्व स्तर तक उनको बढ़ावा देना चाहते हैं। और काफ़ी महिलाओं का आप यहाँ देख सकते हैं बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा ले रही है और भागीदारी हो रही है, ये हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण की बात है। इसमें से हम चाहते हैं कि ये सिर्फ ये जत्रा तक ही नहीं है, हम लोग गांव से शहर तक जोड़ रहे हैं। लोग सिर्फ किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी व्यवसाय के लिए झारखंड से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, वो झारखंड में रह करके व्यवसाय, किसी भी व्यवसाय में आगे बढ़ सकते हैं। ये इसी जी, मेरा नाम माला कुजूर है और मैं राष्ट्रीय जत्रा महोत्सव में IT इंचार्ज हूँ। धन्यवाद। लगभग आप तो देख ही रहे होंगे हमारा स्टॉल का इधर तैयार हो ही चुका शेड, और जो भी दर्शक लोग आएंगे उनके लिए बैठने के लिए व्यवस्था तो हो ही गया है इधर लगभग तैयार। और हमारा राष्ट्रीय महाजात्रा का जो भी उद्देश्य है कि जितने भी झारखंड राज्य के हमारे 32 जनजाति हैं, एक मंच में आकर के अपना सांस्कृतिक, अपना कला, अपना रीति रिवाज को कैसे बचाना है और कैसे एकजुटता को दिखाना है, आदिवासी एकता को, विशेषकर ये जितने भी झारखंड के राज्यवासी हैं उनसे फिर से हम लोग राष्ट्रीय जत्रा महोत्सव कमेटी की ओर से आग्रह करेंगे कि इस कार्य जो हम लोग 31 जनवरी और 1 फरवरी को जो महाजात्रा का जुटान का किया गया है कार्यक्रम, आप लोग पूरा राज्यवासी एवं देशवासी आकर इस आदिवासी एकता का परिचय दें और सफल बनाने में हम लोग को और मदद करें, ताकि आने वाले समय में इसे बेहतर हम लोग कर सकें। परिचय, मेरा नाम हुआ विक्की करमाली, सरना सदान मूलवासी मंच के सह सचिव और इस जत्रा के कोषाध्यक्ष।